नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ महाराष्ट्र की राजनीति पे बात करने के लिए भाऊ तोरशेकर सर आए हुए हैं, और हम लोग जयपुर डायलॉग समिट में आए हुए हैं। पिछले साल भी आए थे, लेकिन मौका मिला तो भाऊ को मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था, सर थोड़ा सा मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब पे तो बात हो, लेकिन महाराष्ट्र में अचानक से राजनीति की हवा बदल गई है, और ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस ने वास्तव में या इंडी अलायंस ने मुंबई में एक रेजोल्यूशन की मीटिंग जरूर की होगी कि इरेडिकेट सनातन धर्म करना है तो हिंदुओं को आरक्षण के नाम पे, हिंदुओं को जाति के नाम पे, सिर्फ बांटना ऐसे संभव नहीं होगा, इनको आपस में लड़ाना होगा। और अब वो एक प्रोसेस दिख रहा है। सर, आप इतने सालों से महाराष्ट्र में राजनीति पे लेख लिख रहे हैं, कॉलम्स लिख रहे हैं अखबारों में, और राजनीतिक चर्चा करते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है सर कि ये इसको हिंदू समाज समझ पाएगा, या जो कांग्रेस चाह रही है, विपक्षी दल जैसे आरजेडी चाह रही है, उसमें वो कामयाब हो जाएंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं जितने अभी 50 साल से ज़्यादा 53 साल पत्रकार रहा हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, एक बात है, जिस ढंग से ईडी अलायंस बनी है उससे हिंदुओं का पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाएगा। मैं हमेशा से 2014 से एक बात बताते आया हूँ कि जो सक्सेस 2014 में मोदी जी को मिला है उसका क्रेडिट मोदी जी हो, बीजेपी हो, आरएसएस हो, उनको जितना दिया जाता है वो गलत है। इसमें मोदी जी और बीजेपी के सक्सेस में कम से कम आधा हिस्सा जो है वो उनको, उनकी अपोजिशन है उसका रहा है। क्योंकि एक बात होती है हमेशा कि जब आप किसी को कॉर्नर करते जाते हो तो उसके अंदर में जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसको आप बाहर निकालते हो। वो जितना गाफिल रहेगा, जितना अनअवेयर रहेगा, उतना वो डिफेंसिव नहीं होता, और जब डिफेंसिव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो ऑफेंसिव में आ जाता है। पिछले मैं मानता हूँ कम से कम 12-15 साल में एक बात हो गई है कि हिंदू जो हमेशा डिफेंसलेस होता था क्योंकि अनअवेयर था, उसको इन लोगों ने जगा दिया है। तो जितना ये पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं उतना काउंटर पोलराइजेशन हो रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं जी, कि 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने एक सद्भावना यात्रा, एक महीने 5 हफ्ते की कुछ की थी, तो उसमें एक समय ऐसा आ गया कि वो कहीं पंडाल में उनका प्रोग्राम चल रहा था, उस महानगर के लोग उनको आकर मिल रहे थे, बड़े पंडित थे, कोई पत्रकार थे, बुद्धिजीवी थे, वे सब चल रहा था, आम लोग मिल रहे थे, तो एक मौलवी आ गया जी, उसने उनको टोपी देने की कोशिश की, तो मोदी जी ने उसका हाथ रोका, भैया टोपी मत दो, तुम मेरे को शाल दो। तो मोदी जी इतने मूर्ख बिल्कुल नहीं है, उनको मालूम था 50 कैमरे लगे हुए हैं, इस पर ये रिकॉर्ड होगा, फोटो भी निकाला जाएगा, और उसका गलत ढंग से इस्तेमाल चैनल वालों पर होगा, चैनल पर होगा, तो उन्होंने वो जानबूझकर किया, क्योंकि उनको काउंटर पोलराइजेशन चाहिए था। देखो, हम मिलते हैं, बोलते हैं, गांव में बोलते हैं, शादी में बैठे बोलते हैं, बाजार में मिलते बोलते, हर जगह लोग बोलते रहते, वो दबे आवाज में बोलते थे, अरे यार, हर एक कोई, हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ये मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, अरे उनका क्या रमजान है, अनशन है, तो आप इफ्तार पार्टी कर रहे हो, उन्होंने कभी किया नहीं किया, तो आप क्यों कर रहे हो, ये दबे आवाज में लोग बोलते थे। तो उनको हर सेक्युलर पार्टी हो जो, उस पर गुस्सा था। तो उस जो ये मोदी को मुस्लिमों में बदनाम करने के लिए ये फोटो या ये चैनल रिकॉर्डिंग दिखाया गया, बार बार, लाखों बार दिखाया गया, इनको लगा था कि मोदी को बदनाम करेंगे, लेकिन वो देखकर अचानक से मोदी की वोट बैंक बन गई कि यार एक तो इंसान है कि ना बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमको पॉलिटिक्स में, जो बताया जाता है, जो दिखाया जाता है, उससे भी ज़्यादा जो सूचित किया जाता है वो समझना चाहिए। और मुझे याद है ये अगर समझा हुआ एक इंसान था, उसका नाम शाहिद आफरीदी था।
शाहिद सिद्दीकी था, शाहिद सिद्दीकी था, वो बार बार चैनल पर बोल रहे थे कि यार मोदी का नाम मत लो, आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, लेकिन चैनल के एंकर या पैनलिस्ट समझ नहीं पाए, टीआरपी चाहिए। हाँ, तो उनको लगता था हम भड़का रहे, लेकिन आप मुस्लिमों को नहीं भड़का रहे थे, आप हिंदुओं को भड़का रहे थे। जो आज तक पैसिव बीजेपी से एक्टिव बीजेपी यानी हिंदुत्व के लिए एक्टिव बीजेपी बन रही थी, उसके लिए जो काउंटर पोलराइजेशन हो गया, उसका फायदा मोदी जी को कितना मिला देखो। गांव गांव से, अब मोदी तो गुजरात के 26 एमपी वाले राज्य के मुख्यमंत्री थे और 543 यानी मानो कि 20 गुना पार्लियामेंट के एमपी होते, वहां वो पॉपुलर हो गए। तो मैं मानता हूं कि सबसे अगर बड़ा काम किया तो मौलवी के टोपी ने किया, और वो टोपी दिखाने वाले कौन थे, हर एक उसमें से मोदी के खिलाफ था, लेकिन उसने मोदी को कितनी बड़ी हेल्प की। तो ये जो कोशिश हो रही है उससे कुछ नहीं होगा, आप जो पैसिव हिंदू है उसको एक्टिव हिंदू बनाओगे। ओके, मतलब ये आरक्षण किया ये सब और भी हिंदुओं को यूनाइट करेंगे। अब थोड़ा सा शरद पवार जी के बारे में बात कर लें, महाराष्ट्र के संदर्भ में कैसे देखते हैं कि अजीत पवार जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में आ जाना और शरद पवार जी का कांग्रेस को लगातार ये कहना कि आप अडानी पे काउंटर मत करो, आपको बोलना है तो कुछ और बोलो, आप सावरकर पे मत बोलो, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या शरद पवार को लगता है कि नहीं अब मेरी राजनीति जो हो गई सो हो गई, इंडिया अलायंस का कोई फ्यूचर नहीं है तो कोई बात नहीं, अजीत पवार जो करना चाहता है उसे कर लेने देते हैं और मैं एक अलग ढंग से सेटल डाउन हो जाता हूँ, क्या है पॉलिटिक्स शरद पवार की? नहीं, पवार की जो राजनीति रही है हम 40 साल से देखते रहे, तो पवार की राजनीति कुछ बनाने की नहीं थी, वो हमेशा बिगाड़ने की राजनीति करते हैं। यानी अपनी पार्टी तो 40 साल में नहीं बना पाए, लेकिन बहुत सारी पार्टियां उन्होंने बिगाड़ दी। हाँ। आपको अगर समझ, तो मैंने एक बार किसी हिंदी यूट्यूबर के साथ बात करते हुए बता दिया था कि शरद पवार ये महाराष्ट्र के राजनीति के बरमूडा ट्रायंगल है। अच्छा। उनके पास जो जो नेता गए, जो जो पार्टियां गई, आज उनको नाम, उनका नामों निशान तक नहीं है। देखो, शिवसेना अभी दिखाई दे रहा था पिछले 20-30 साल में कि शिवसेना दो नंबर की पार्टी है, बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी 3 नंबर, शिवसेना 2 नंबर, कांग्रेस 1 नंबर पर थी। तो उससे भी पहले पर पीपल पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, PWP बोलते थे जिसको, मराठी में हम उसको शेतकरी कामगार पक्ष बोलो, 2 नंबर की पार्टी थी। अच्छा। आज उसका नामो निशान नहीं, विधानसभा में उनका 1 MLA बचा नहीं है। जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के बाद 2 नंबर की पार्टी होती थी, उसके बाद सोशलिस्ट थे जो आगे चलकर जनता पार्टी बने, जनता दल बने, आज उसका नामो निशान नहीं है। फिर आप देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी हो, मार्क्सिस्ट पार्टी हो, रिपब्लिकन पार्टी हो, इनका नामो निशान तक नहीं बचा, वो हर एक शरद पवार के साथ गए। आपको ये समझना जरूरी है कि उद्धव ठाकरे ने सबसे बड़ी गलती ये की कि वो शरद पवार के साथ गए। अगर 40 साल में शरद पवार के साथ जाने वाली कोई भी पार्टी बची नहीं है तो उससे आपको सीख लेनी चाहिए। मैं जब सामना नहीं था तब शिवसेना का मुखपत्र माउथपीस जो है वो मार्मिक हुआ करता था, तो शिवसेना मुंबई से फैलकर महाराष्ट्र में गई। उस वक्त 4 साल में मार्मिक का संपादक रहा, 85 से लेकर 89 तक। तो शिवसेना कैसे बड़ी वो मैंने देखा है, नज़दीकी से देखा है। यानी बाला साहब तो एक बार मजाक के, क्योंकि वो मार्मिक शिवसेना भवन में हमारा ऑफिस हुआ करता था और मैं तो ऑफिस था तो पूरे दिन वहाँ बैठता था। तो एक दिन वो मजाक में बोल, तू तो डिप्यूटी शिवसेना प्रमुख हो गया, ऐसा मजाक में बोले थे। अच्छा। क्योंकि जो नए कोई आते थे तो एक ही ऑफिस दिन भर रहता था, नीचे भवानी बैंक होती थी और ऊपर हम, तो मुझे मिलते थे। तो कहने का मतलब है कि मैंने हमेशा बोला है कि शिवसेना महाराष्ट्र में नहीं गई, महाराष्ट्र शिवसेना में आया था। तो एक बार मैंने बाला साहब को पूछा था कि आप शरद पवार को दोस्त मानते तो आप पॉलिटिकली अपनी पार्टी लेकर पवार की पार्टी से दोस्ती क्यों नहीं करते? तो उन्होंने बताया था कि दोस्ती
पर्सनल है, शिवसैनिक मुझ पर भरोसा करता है, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि नुकसान करे तो बाल ठाकरे का करे, लेकिन शिवसेना का नुकसान मैं शरद पवार को करने नहीं दूंगा, इसलिए मैं पॉलिटिकली अलायंस नहीं करता। अच्छा, जो उद्धव ठाकरे ने वही गलती की, तो जो होना है शिवसेना का होना था। और शिवसेना क्यों, आप तो 5 साल पीछे जाइए, जून 2018 जब चंद्राबाबू नायडू TDP, वो TDP के जनता अपने चंद्राबाबू थे, वो तो NDA की 3 नंबर की पार्टी थी, शिवसेना के 18 थे, इनके 16 थे। हाँ। इन्होंने 2018 में अपने मिनिस्टर थे वो निकाल लिए। हाँ। उसके बाद पार्टी के MPs थे उनको निकाल लिए। फिर अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया था मोदी पर, एक ही था उस वक्त, वो लाया था TDP ने। हाँ। और उसके बाद 1 साल तक हाथ ऊपर उठाकर चंद्राबाबू नायडू सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ खड़े रहते थे, अखिलेश के साथ खड़े रहते थे। आज कहा है, कोई नाम तक नहीं ले रहा है चंद्राबाबू का। वो तो शरद यादव कहा है? जो शरद यादव हमें 18 से लेकर 19-20 तक हमको सोनिया गांधी के बगल में कहीं खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, आज गायब। अभी तो उनका देहांत हो गया, लेकिन 2019 का चुनाव खत्म होने के बाद किसी को याद तक नहीं है कौन थे, कौन थे शरद यादव, कौन थे चंद्रबाबू नायडू। तो अगर आप वही वहां जाओगे तो कांग्रेस पार्टी आपको खा जाएगी, कांग्रेस पार्टी आपको खा जाएगी। इसलिए उद्धव ठाकरे की वो बहुत बड़ी गलती थी कि वो शरद पवार के साथ गए। अब दूसरा जो सवाल आपका है कि अजीत दादा अलग हो गए वगैरह वगैरह, मैं नहीं मानता। जो अजीत दादा 2 तारीख को उन्होंने BJP के साथ जाकर ओथ टेकिंग हो गया, उनका सेरेमनी हो गया, शपथ ले ली उन्होंने, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और 8 लोगों को मिनिस्टर बनाया गया। तो अजीत दादा अपने घर से सरकारी जो उनका निवास स्थान था अपोजिशन लीडर के लिए, वहाँ से निकलने तक सब मीडिया में एक ही खबर चल रही थी, उनको NCP का प्रदेशाध्यक्ष होना है, इसलिए सब उनके समर्थन करने वाले इकट्ठा हुए, MLA वगैरह वगैरह। खुद शरद पवार को भी पता नहीं था, ऐसे नहीं मैं मानता, लेकिन क्योंकि शरद पवार बोले थे, हाँ छगन भुजबल बोले कि वहाँ क्या हो रहा है देखकर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन छगन भुजबल भी उठकर शपथ लेने के लिए पहुँच गए। इसका मतलब शरद पवार को भी मालूम था। हाँ, मैं वही आप सुनना चाहता था कि शरद पवार तो ये क्यों हुआ, इसका खुलासा अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल ने, छगन भुजबल ने दूसरे दिन 3 जुलाई 2023 को किया। उन्होंने क्या बार बार बताया कि ये हमेशा हमको BJP के साथ जाना है, ये करो वो करो, आप जाके डिटेल्स चर्चा करो, मैंने मोदी से बात की है, मैंने अमित शाह से बात की है, खुद पवार बोलते थे, हमको भेजते थे, हम जाके चर्चा करते थे, और हाँ अभी तक फाइनल करो। तो फिर हम इंदौर जाने वाले थे, हमारी एयर टिकट बुक हो गई, एक दिन पहले बोलते नहीं नहीं ड्रॉप कर दो। फिर बड़ौदा जाने वाले थे, एक दिन पहले बोलते ड्रॉप कर दो। तो अब आप ये जो डिवीजन कही जाती है वो बारीकी से देखो कि जिन्होंने शरद पवार के साथ बहुत सालों से NCP नाम की पार्टी खड़ी की, और NCP बनाने के पहले जो शरद पवार के नज़दीक रहे वो सब तो अजीत दादा के साथ चले गए। शरद पवार के साथ बचा कौन है, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले, खत्म। इसका मतलब मैं मानता हूं कि जिंदगी में पहली बार शरद पवार ने अपने बेटी के साथ ही गेम कर दिया। 3 जुलाई को अजीत दादा ने जो भाषण किया था उसमें उन्होंने क्या बोला था, मैं किसके पेट से जन्मा ये क्या मेरी गुनाह है, हम आपके पेट से नहीं निकले ये क्या मेरा गुनाह है। तो वो क्या बोलते हैं, सूचित कर रहे थे कि सब मामला सुप्रिया सुले का है। और जितनी जानकारी मुझे है कि ये सब करने को तय थे। शरद पवार बार बार 3 बार BJP के साथ जाने के लिए जो चर्चा चल रही थी उसमें
इनकी तरफ से एक शर्त थी कि सुप्रिया को सेंट्रल मिनिस्ट्री में ले लो, और दिल्ली में बैठे दोनों जो टॉप है हाई कमांड वो बोलते थे तुमको चीफ मिनिस्टर बनाता हूँ, ये करता हूँ, बना सकता हूँ, लेकिन सुप्रिया को सेंट्रल में नहीं लेंगे। हाँ, और वहां बात बिगड़ती थी और आखिरी मोमेंट में बोलते थे नहीं भाई अभी नहीं रुक जाओ। जो अजीत दादा का गुस्सा, प्रफुल्ल पटेल का गुस्सा आपने देखा 3 जुलाई को, उसका मतलब समझिए। हर बात जो होती है वो आपको शब्दों में नहीं बताई जाती, और ये बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं उसका सबसे बड़ा आशय वो है। जो इस बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट है वो बोलते हैं कि 8 या 9% आप जो शब्द बोलते हैं उसमें आप एक्सप्रेस करते हो, व्यक्त होते हो, 90% से ज़्यादा आपकी पूरी बॉडी बोलती रहती है जो शब्द नहीं होते। और शब्द से मिलाकर अगर समझो तो बात अलग है, और शब्द अलग रख के आप देखो तो आपको सच्चाई मतलब ध्यान में आ सकती, बहुत उसके क्या बोलते आयाम होते। मैं एक आपको बता दूं तो आपको पता चलेगा, कुछ लोग जब झूठे बोलते झूठ बोलते तो आपको आसानी से समझना है तो देखो ये ऐसा करते रहते, यानी ये इतने अनिजी होते कि उनको डर होता है। अब राजदीप सरदेसाई को देखो वो हमेशा ऐसा ऐसा करते लगता है, डरा हुआ है कि मेरे हाथ से सच मुंह से सच निकल ना जाए। ये ऐसे बड़े आयाम होते हैं बॉडी लैंग्वेज में। तो एक बात होती है कि अजीत दादा या प्रफुल्ल पटेल एक बात नहीं बोल रहे थे कि बेटी के लिए हमको बार बार अपमानित होने के लिए बाध्य किया गया। तो ये सब मामला जो है तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई तुम सत्ता में जाओ संभालो, हमको भी कुछ पेटी खोके भेज दो। हाँ, पार्टी चलती रहनी चाहिए, बेटी के लिए मैं पार्टी नहीं मार सकता तो मैं बेटी के साथ रहूंगा। हाँ, अभी मेरे तो उम्र हो गई है उसका। हाँ, जो कुछ होना है होगा, लेकिन पार्टी तो बचे। हाँ, पार्टी तो बचे लेटर ऑन। और बीजेपी का भी मतलब ये हो गया कि एनसीपी के साथ जो जाता है वो बर्बाद होता है, तो हम एनसीपी के साथ ना जाके अजीत दादा लोग की टीम के साथ चले जाए। नहीं नहीं, वो तो अभी असली बात बोल दूं, मैंने बार बार मराठी में तो बोली है, देखो जो ऑफर अजीत दादा को थी वो सेम टाइम एकनाथ शिंदे को बैठे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो अजीत दादा का 3 जुलाई का भाषण आप बारीकी से सुनिए, उन्होंने एक सेंटेंस ऐसा बोला था, एक वाक्य कि जब हम जाने वाले थे तब एकनाथ शिंदे का शपथ नहीं हुआ था, नहीं हुआ था वो तो था कि सीएम बनते बनते मैं रह गए। हाँ, यानी इनके कारण मेरा नुकसान हुआ और एकनाथ शिंदे हो गया, नहीं तो मैं हो जाता। हाँ, वो दर्द है। हाँ, तो बात ये है कि अब बहुत सारे लोग विश्लेषण करते हुए बोलते कि अरे आपके पास तो एकनाथ शिंदे आया था, 40 MLA आए थे, आपकी मेजोरिटी थी, आपको क्या जरूरत थी, ये बोला जाता है। तो एक तो फिर भी क्यों लाया गया। तो इसमें और एक बात मैं जोड़ दूं कि पिछले एक 15-20 दिन पहले की बात है, पूना के गार्डियन मिनिस्टर थे हमारे चंद्रकांत दादा पाटिल, वो क्योंकि पूना से ही चुनकर आए, पूना सिटी से, तो उनको हटाकर अजीत दादा को गार्डियन मिनिस्टर बनाया गया। तो सब बोले देखो अजीत चंद्रकांत दादा पर अन्याय हो गया, ये वो बहुत कुछ हो गया। तो चंद्रकांत दादा खुद एक वाक्य बोले, उस पर मीडिया ध्यान नहीं देता, गलत जगह ध्यान देता है। तो चंद्रकांत दादा ने एक सेंटेंस बोला था कि कुछ बड़ा करने के लिए छोटा त्याग करना पड़ता है। अब गार्डियन मिनिस्टर अजीत दादा को देकर उससे क्या बड़ा काम करवाना है ये बारीकी से सोचो। तो बारामती में सुप्रिया को हराना ये बड़ा काम अजीत दादा करने वाला है, ये बड़ा काम अजीत दादा, और ये खबर है ये छोड़कर सब कुछ बताया जाता है। क्योंकि जो पत्रकार बने हैं उनको खबर कहाँ है उसका ही पता नहीं है, उसका ही पता नहीं है। तो चंद्रकांत दादा जो बोले कि अब मुझे बोले कि गार्डियन मिनिस्टर की जगह से आपको हटाया गया तो आप उसको छोटा मानते हो, तो अजीत दादा को लाकर बड़ा क्या होने वाला है, ये पत्रकार ने सोचना चाहिए। ये हमारे मुंबई मराठी पत्रकार जो है उनके दिमाग में तक ये बात नहीं आई, क्योंकि वो पत्रकार भी नहीं है, वो वार्ता जमाने वाले भी नहीं है। मेरा अगला प्रश्न यही था
कि क्या अजीत दादा सुप्रिया सुले का गेम समाप्त करने वाले हैं, लेकिन आपने उससे पहले ही ये उत्तर दे दिया, तो अब मात्र दो छोटे छोटे प्रश्न। नहीं, उसमें एक और जोड़ दूं मैं जी। देखिए, जब सुप्रिया सुले लास्ट टाइम जीती थी तो उसको हमारे यहाँ पार्लियामेंट की जो सीट होती है उसमें विधानसभा के 6 सेगमेंट होते हैं, ठीक। तो उसमें एक बारामती है और बाकी पुरंदर है, भोर है, दौंड है, ऐसे इंदापुर वगैरह है। तो उसमें जो बारामती विधानसभा सेगमेंट है उसमें सुप्रिया को जितने वोट मिले हैं उससे 30,000 वोट उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में विधानसभा के लिए अजीत दादा को ज्यादा मिलते हैं, ठीक बात है। तो अगर वो 30,000 घट जाते हैं तो अजीत दादा उसके सपोर्ट में रहता है, फिर भी 30,000 घट जाते तो अजीत दादा खिलाफ हो गया तो कितने घटेंगे और तो कहाँ रिजल्ट आ जाएगा, ये आप सोचो जी। दो लास्ट प्रश्न है, एक तो आपके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश को लेकर के है और दूसरा 2024 के संदर्भ में आपकी भविष्यवाणी को लेकर के है। सबसे पहले 2024 पे पूछ लेता हूँ, आपके राजनीतिक एक्सपीरियंस के हिसाब से 2024 में इंडी अलायंस वर्सेस एनडीए किसकी सरकार कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ आप बनते हुए देखते हैं, क्या मोदी जी वापस आएंगे? नहीं, मोदी जी आएंगे ये बोलने की जरूरत नहीं, मोदी जी को आना भी नहीं तो उनको आना पड़ेगा, लोग उनको नहीं छोड़ेंगे। मैं हमेशा एक बात देखो, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने राज्य शास्त्र पढ़ा नहीं है कॉलेज में, मैं आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था, पत्रकार बन गया तो, और उससे पहले भी राजनीति सामने जैसी होती गई वो समझकर मैं राज्य एनालिसिस करता हूँ। तो 2014 के पहले यानी आप समझ लो कि 14 या 16 महीने पहले मैंने एक सीरीज लिखी थी पुण्यनगरी नाम के मराठी पेपर में, 27 आर्टिकल लिखे थे, तो उससे इतना माहौल बनने लगा था कि पॉलिटिकल प्रेशर के कारण उस पेपर के मालिक संपादक जो मुझे बोले ये लिखना बंद कर दो, तो मैंने मैं कॉलम बंद कर दूंगा, लेकिन मुझे जो लिखना है वो लिखूंगा वरना नहीं लिखूंगा, तो मैंने छोड़ दिया 13 जनवरी से अप्रैल तक। उसके बाद ये हुआ तो मैंने उसमें बोला था कि बीजेपी को अगर सत्ता में आना है, एनडीए को सत्ता में लाना है तो मोदी जी को कैंडिडेट बनाओ, ये जनवरी से अप्रैल 2013 की बात है, ठीक। तो जुलाई में मेरा ख्याल है उनको बना दिया गया। तो आज अपने यहाँ आए वो सच्चिदानंद शेवड़े मेरे दोस्त है, तो अच्छे वक्ता है, तो वो मेरे पीछे पड़ गए कि इसकी किताब कर देंगे, आपने जो लिखा था, तो मैंने बोला ठीक है। और उसके लिए मैंने और एक आर्टिकल लिखा नया, वो लिखा था अगस्त 2013 में, उसकी किताब बनकर छपकर आई, उसका पब्लिकेशन 6 दिसंबर 2013 को हुआ था, और उसमें मैंने क्लियर बोला था कि मोदी जी मेजॉरिटी लाएंगे बात बिल्कुल छोटी है, मेजॉरिटी तो आएगी बीजेपी की, मेजॉरिटी आएगी एनडीए रहेगा लेकिन बीजेपी की अपनी मेजॉरिटी होगी, लेकिन वो मुझे मेरे लिए बड़ी अहमियत नहीं रखता। मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर क्या करेंगे ये मैं अब लिखूंगा, जो मैंने अगस्त में लिखा था असाबिया का आधुनिक आविष्कार, ऐसा वो उसका शीर्षक था, तो उसमें मैंने बता दिया था कि ये अगर प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो क्या करेंगे, तो ये गांधी नेहरू का नाम समाप्त कर देगा। तो ये 2020-21 के बाद हमारे यहाँ सेक्युलर पत्रकार बोलने लगे, अरे ये तो गांधी का नाम साफ कर रहा है, नेहरूइज्म खत्म कर रहा है, ये अभी बोल रहे हैं जो वो प्राइम मिनिस्टर होने के 8 महीने पहले मैंने लिखा था, क्योंकि मोदी जी फोकस्ड है। अब देखिए 2014 में मोदी जी जो 8 चुनाव के बाद एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी लाए 1984 से लेकर 1984 के बाद 2014 में एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी आई है 8 चुनाव के बाद, तो वो निगेटिव वोट था, हमको यूपीए नहीं चाहिए, भाई इमरान खान भी प्राइम मिनिस्टर हो तो चलेगा लेकिन यूपीए नहीं चाहिए, तो वो निगेटिव वोट पर मोदी जी आए थे। तो 5 साल उन्होंने जिस ढंग से काम किया
तो लोगों को भरोसा लगा कि ये ठीक है पॉजिटिव। हाँ ये तो पॉजिटिव में वोट बदला। हाँ। अब क्यों बदला ये भी समझ लीजिए। पॉजिटिव में इसलिए बदला कि देश की जनता जो है ना उसको रेवड़िया नहीं चाहिए, उसको जीवन में सुकून चाहिए, शांति चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो 77 से लेकर बहुत बार कांग्रेस की सरकार बदली गई, लेकिन जो आई वो कांग्रेस के ट्रैक पर ही चल रही थी डिलीवरी। हाँ तो कांग्रेस को अलग, कांग्रेस से अलग राजनीति चाहिए थी, अलग चलने वाली सरकार चाहिए थी और चलने वाली सरकार चाहिए थी। आप एक ये मैं जो अभी बोला ये ध्यान से सुन लो, चलने वाली सरकार। आपको शायद मेरी उम्र के कितने लोग सुनते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जो मेरी उम्र का है उनको याद होगा 80 में इंदिरा जी जीती थी, उनकी स्लोगन यही थी। 80 में जब 77 में बुरी हाल हो गए कांग्रेस के, लेकिन 80 में इंदिरा जी वापस आई तो उनकी टैग लाइन या घोषणा क्या थी, गवर्नमेंट दैट वर्क्स, गवर्नमेंट चलने वाली सरकार। तो 2019 में मोदी जो फिर से बड़े बहुमत से आए उसका मतलब वो चलने वाली सरकार दे पाए। हाँ उन्हें क्या किया ये गधे जैसा सवाल पूछना नहीं, वो तो मैं बहुत बड़ी लंबी लिस्ट आपको बता दूंगा क्या किया। वो तो हमारे दर्शकों को पता है क्या क्या हो गया, वो क्या हो गया वो लोगों को पता चलता है, बुद्धिजीवी को पता नहीं चलता जल्दी। उनका नाम मैंने भाऊ बुद्धूजीवी रखा। हाँ तो वो तो बात नहीं है। तो बात ये हुई थी कि 14 में मेरी किताब पब्लिश हुई तो महाराष्ट्र के बड़े बीजेपी के नेता भी उस समारोह में थे, तो चाय पीते समय बोले और हमारी पार्टी को गारंटी नहीं और आप बहुमत ले रहे हो। मैंने बोला देखो मैं आपकी पार्टी का नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ, ये मेरा असेसमेंट है। तो जब वो सच हो गया तो 2018 में गणपति का फेस्टिवल हमारे महाराष्ट्र में होता है, एक जगह मेरा भाषण था, व्याख्यान था, लेक्चर था, तो सवाल पूछा गया कि भाई अभी 8 महीने में चुनाव आने वाला है, आपका असेसमेंट क्या है, पिछली बार था आज क्या है। तो मैंने बोला 300+। हाँ। तो वो पूछने लगे अरे गठबंधन हो रहा है, वो मायावती अखिलेश हो गए, महागठबंधन हो रहा है। मैंने उनको एक ही जवाब दिया, मैं बच्चा था, स्कूली बच्चा था 57 में, इस देश का पहला गठबंधन मैंने देखा है जिसको हम संयुक्त महाराष्ट्र समिति आंदोलन बोलते हैं, पहला गठबंधन था। हाँ। बढ़िया गठबंधन था जिससे डरकर कांग्रेस ने अलग महाराष्ट्र बनाया, इतना बड़ा गठबंधन था, इतना बड़ा गठबंधन। लेकिन गठबंधन एक तो बनता नहीं और बनता है तो चलता नहीं, ये अनुभव वहां से लेकर आज तक 60 साल का है। तो इसलिए गठबंधन से कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। और दूसरी बात है कि मोदी जी को हटाए तो क्यों हटाए भाई। हाँ कोई बुद्धिजीवी है, कोई पत्रकार है, कोई प्रोफेसर है, उनको चाहिए इसलिए हम क्यों हटाए। हमारे जिंदगी में तो देखो आम इंसान जो है ना वो बोलता है कि मुझे कुछ देना नहीं, हाँ मेरे थाली से चुराव नहीं। हाँ नहीं वो रविश कुमार है, हाँ। प्रसून वाजपेयी, उनको चाहिए कि भाई, हाँ। मोदी जी नहीं है तो उनको चाहिए इसलिए मैं नहीं बदलूंगा। अच्छा कॉमन मैन, कॉमन मैन। अब हम मुंबई के टीवी स्टूडियो में आने वाले लोग हैं, वो जहां रहते वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कुलाबा कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस कुलाबा कॉन्स्टिट्यूएंसी में दे आपको अजीब लगेगा 30 या 29% वोटिंग होती है और वहां रहने वाले यहां आकर बोलते हैं ये होंगे बदलना है। और गढ़चिरौली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां नक्सली धमकियां देते हैं कि भाई वोटिंग को जाएगा तो गोली से उड़ा देंगे, फिर भी 4-4, 5-5 किलोमीटर चलकर लोग वोटिंग करते more than 90%। ये बात समझने वाली है कि 75 साल में जो वंचित रहे उनको इस डेमोक्रेसी का मानो कुछ भी लाभ नहीं मिला है, फिर भी वो जोर शोर से वोटिंग करते हैं, वो डेमोक्रेसी जिंदा रखते हैं। और जो वोटिंग भी नहीं करते उनको पड़ी है कि अरे डेमोक्रेसी डूब गई है, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र खत्म हो रहा है। तो यहाँ आपको फर्क पता चलेगा। और काउंट क्या होता है, काउंट टीवी पर चर्चा होती है, उसका काउंटिंग नहीं होता है, जो वोट करता है उसका काउंटिंग होता है। इसलिए मैं हमेशा, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको 4 साल पुराना वीडियो मिलेगा जो हिंदी में है और सबसे ज्यादा देखा गया है, हिंदी
मराठी चैनल है लेकिन उस पर हिंदी वीडियो है, वो सबसे ज़्यादा देखा गया। उसका हेडिंग मैं आपको बताकर रुकता हूँ, उसका हेडिंग है 2024 तक मोदी रोज हारेंगे, यानी चर्चा में हारेंगे, क्योंकि जब वोट की गिनती होनी है उस दिन मोदी को जीतना है। चर्चा में हारेंगे, चुनाव में नहीं हारेंगे। मध्य प्रदेश में भी एक आपका असेसमेंट मिल जाता कि मध्य प्रदेश में बहुत क्लोज फाइट चल रहा है, लेकिन कमलनाथ क्या अकेले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पार लगाएंगे आपके हिसाब से? मैं एक बात मानता हूँ हमेशा, कौन जीतता है उसे मुझे मतलब नहीं, कौन हारता है उसे मुझे मतलब है। कि लोगों का गुस्सा किसके किसके बारे में ज्यादा है, लोग उसको हराते हैं उसके परिणाम वश दूसरा जीतता है। ये मेरा सोचने का तरीका थोड़ा अलग है कि जीतने वाला तो जीतेगा, सवाल ये है कि हारेगा कौन, कि हारेगा कौन। अगर कमलनाथ पर या कांग्रेस पर लोगों का ज्यादा गुस्सा रहेगा तो शिवराज पाटिल या बीजेपी निकल आएगी। देखो राजस्थान में लास्ट टाइम मेरा ख्याल है कुछ 36% वगैरह बीजेपी को वोट थे और कुछ 2-4% कांग्रेस को ज्यादा थे, सीटें ज्यादा कांग्रेस की आ गई। लेकिन एक बात समझ लो कि 4 महीने के बाद वही 52% मोदी को मिला, तो इसका मतलब 36% बीजेपी के वोट थे, 16% अकेले मोदी के थे। यही मध्य प्रदेश में भी हुआ। बिल्कुल, बीजेपी 104 तो 105 पे रखी। अभी देखो एनालिसिस कहां गलत जाता है, एनालिसिस करते वक्त हम क्या बोलते कि एनडीए में 22 पार्टियां है, ऐसा बोलते 22 पार्टियां नहीं 23 होती है, क्योंकि एक पार्टी बीजेपी है और दूसरी पार्टी नरेंद्र मोदी है, उसकी अपनी वोट बैंक है, बीजेपी की जो वोट बैंक है वैसे ही कांग्रेस में भी होता है, तो मतलब कांग्रेस की, कांग्रेस की एक वोट बैंक है जी। लेकिन उसमें जब राहुल मिल जाते हैं तो राहुल गांधी जब कांग्रेस में मिल जाते हैं तो माइनस होता है, उनका डेबिट अकाउंट है मोदी का, तो वो यानी कांग्रेस को अगर समझो राजस्थान में 40% मिलने वाले हैं, लेकिन जब राहुल गांधी का चेहरा सामने लाते 2-3% घट जाते हैं। तो कांग्रेस भी पार्टी में दो पार्टियां है, एक राहुल गांधी है, एक कांग्रेस है। तो एनालिसिस में मैं हमेशा बोलता हूं कि ये हमें समझना जरूरी होता है कि कौन हार जीता है। कौन हम देखते कि भाई उसने आखिरी सिक्सर मारा, अरे क्या मारा सिक्सर, अरे लेकिन उसके पहले बहुत सारे लोगों ने 150-250-170 रन बनाए होते, उस पर वो आखिर में मार देता है। ठीक बात। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में भाव ने बस ये कहा कि हारता कौन है, और दूसरा क्रेडिट अकाउंट से नरेंद्र मोदी जी का जो अपना वोट बैंक है वो मोदी से नाराज नहीं होता, लेकिन वो लोकसभा का वोटर है। विधानसभा में क्या 1-2% वोट मोदी जी ऐड करा पाएंगे, वही रिजल्ट मध्य प्रदेश का होगा। बाबू आप हमारे साथ शो में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।